तो आज हम बात करेंगे मार्वल कॉमिक्स में दिखाई गई टॉप 10 सुपर पावर्स की। वैसे तो मैं डीसी कॉमिक्स से भी ले सकता था, लेकिन जो सुपर पावर्स मैं बताऊंगा वो सभी सुपर पावर्स मार्वल और डीसी सुपर हीरोज के पास हमेशा से मौजूद है और उनके पास दिखाई गई है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मार्वल के सुपर हीरोज के नाम लेंगे, कौन सी सुपर पावर कौन से सुपर हीरो के पास मौजूद है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना ताकि इस वीडियो पर 1K व्यूज का टारगेट पूरा हो सके। हां यार, कमेंट करो आपका ओपिनियन क्या है, के अनुसार कौन सी सुपर पावर के लिए मुझे कौन से सुपर हीरो को लेना चाहिए था, वो आप कमेंट कर सकते हो। नंबर 10 पर है टेलीकिनेसिस। अब अगर आपने इस पावर को इमेजिन कर लिया है वो भी अपने माइंड में, सबसे पहले मार्वल कॉमिक्स में से नाम निकल कर आएगा और वो नाम है हमारे प्रोफेसर एक्स का। और अगर आप चाहते हो तो इस लिस्ट में आप जीन ग्रे का नाम भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो भी इस पावर को बहुत ज्यादा यूज करती है मार्वल कॉमिक्स में। टेलीकिनेसिस पावर का मतलब होता है बिना छुए किसी भी वस्तु को अपने कंट्रोल में करना, मतलब की फिजिकल मैटर्स को बिना छुए अपने कंट्रोल में लेने की पावर को आप टेलीकिनेसिस नाम की पावर मान सकते हो। और इस पावर का हमारी वांडा भी यूज करती है, वो भी एमसीयू में। नंबर 9 पर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। जब मार्वल कॉमिक्स में स्ट्रेंथ की बात आती है और वो स्ट्रेंथ जो कि बेशुमार हो, तो सबसे पहले हमारे माइंड में द इनक्रेडिबल हल्क का नाम आएगा, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में किसी भी सुपर हीरो के पास हल्क से ज्यादा स्ट्रेंथ हो तो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। आप थोर और हरक्यूलिस को भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर हरक्यूलिस की बात तो नहीं करने वाला हूँ और थोर की बात इसलिए नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उसके पास और भी पावर्स है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हल्क अपनी स्ट्रेंथ के दम पर क्या क्या काम कर सकता है, और जब किसी भी नॉर्मल इंसान के पास में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की पावर आती है तो वो इंसान अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ देता है, मतलब कि वो इंसान अपनी इंसानी लिमिट्स को तोड़ देता है क्योंकि उसके पास बेशुमार स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसके दम पर वो भारी से भारी चीजों को आराम से उठा सकता है। और हमारा द इनक्रेडिबल हल्क तो बड़े बड़े माउंटेन्स को भी उठा सकता है। तो नंबर 8 पर है एनर्जी प्रोजेक्शन। और जब इस पावर का नाम आता है तो सबसे पहले मार्वल कॉमिक्स में हमारे माइंड में साइक्लोप्स का नाम आता है, जो कि एक्समैन टीम का एक प्रमुख सदस्य है। हमारा साइक्लोप्स इस पावर के जरिए अपनी आंखों से लेजर लाइट शूट करता है, या फिर कहूं कि हीट विजन शूट करता है, जिससे कि वो सामने वाले को मार भी सकता है। हमारा प्यारा सुपरमैन भी कुछ ऐसा ही काम करता है। नंबर 7 पर है फ्लाइंग पावर। और इस पावर का नाम सुनकर सबसे पहले हमारे माइंड में नाम आएगा हमारे पैरे सेंट्री का, जो कि बिल्कुल सुपरमैन के जैसा ही है। फ्लाइंग पावर की मदद से कोई भी सुपर हीरो किसी एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से उड़ कर जा सकता है, जैसे कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमारा सेंट्री किसी भी फाइट में या किसी भी मिशन पर जाने पर सबसे पहले अपनी फ्लाइंग पावर का यूज करता है। और पर्सनली मुझे तो फ्लाइंग पावर बहुत अच्छी लगती है। कोई ये पावर कैसी लगती है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नंबर 6 पर है इनविजिबिलिटी। और इस पावर का नाम सुनके सबसे पहले हमारे माइंड में फैंटास्टिक फोर की सेक्सी सुपर हीरो इनविजिबल वुमन का नाम आता है। पावर के जरिए इनविजिबल वुमन मार्वल कॉमिक बुक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे कांड कर चुकी है, और इस पावर के जरिए इनविजिबल वुमन अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेती है जो कि हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई दे सकती है, और ये शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिससे कि नष्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और इनविजिबल वुमन इस पावर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। नंबर 4 पर टाइम मैनिपुलेशन। अब अगर आपने इस पावर का नाम सुन लिया तो सबसे पहले आपके माइंड में केबल का नाम आएगा, जो कि डेडपुल की मूवी के अंदर देखा ही होगा। और अगर उसका भी नाम नहीं आएगा तो हमारे डॉक्टर साहब का तो नाम सबसे पहले आएगा। इस पावर की मदद से कोई भी यूजर टाइम में छेड़खानी नहीं कर सकता है, टाइम में आगे पीछे जा सकता है, जिसके कारण ये पावर किसी भी यूजर को बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बना देती है, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो वापस कभी भी लौट कर नहीं आता है। इसीलिए कहता हूँ टाइम को टाइम के हिसाब से यूज करो, क्योंकि ये वापस नहीं आने वाला है। नंबर 4 पर है टेलीपैथी। इस पावर का नाम सुनने के बाद भी आपके माइंड में बहुत सारे सुपर हीरोज के नाम आ रहे होंगे, जैसे कि वांडा, जीन ग्रे, प्रोफेसर एक्स और डॉक्टर स्ट्रेंज, और एक और प्यारी लड़की है जिसका नाम है एमा फ्रॉस्ट, क्योंकि ये सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर टेलीपैथी का यूज कर सकते हैं। और इस पावर के जरिए कोई भी कैरेक्टर किसी अन्य कैरेक्टर के माइंड से कनेक्ट होकर उससे बातें कर सकता है, और यहाँ तक कि उसके अच्छे बुरे विचारों को बदल सकता है, जो कि सच में काफी ज्यादा ऑसम पावर है। कई सारे कैरेक्टर्स इस पावर का काफी ज्यादा यूज करते हैं। नंबर 3 पर है हीलिंग फैक्टर। अब इस पावर का नाम सुनने के बाद तो आपके माइंड में सबसे पहले हमारे प्यारे डेडपूल, हमारे प्यारे वुल्वरीन चचा का नाम जरूर आया होगा, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर ऐसे हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर जिनकी हीलिंग पावर काफी ज्यादा हाई लेवल की है। इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ आप एक और नाम जोड़ सकते हो, जिसका नाम है हल्क। हमारे प्यारे इनक्रेडिबल हल्क के पास भी ये पावर है। इस पावर की मदद से कोई भी कैरेक्टर अपनी छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी चोटों को या घावों को ठीक कर सकता है, वो भी काफी ज्यादा फास्ट और बिल्कुल कम समय के अंदर। अगर आपने डेडपूल को देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसकी हीलिंग पावर कितनी ज्यादा फास्ट है, और वो किसी भी घाव को बिल्कुल कम टाइम के अंदर हील कर लेता है। नंबर 2 पर है रियलिटी वार्पिंग। और इस पावर का नाम सुनने के बाद में आपके माइंड में एक बार फिर से तुम्हारी प्यारी भाभी वांडा और हमारे प्यारे डॉक्टर साहब का नाम आएगा, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर ही कॉमिक बुक के अंदर रियलिटी वार्पिंग पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से। इस पावर के जरिए इसका यूजर अपने आसपास की रियलिटी को पूरी तरह से चेंज कर सकता है, या फिर कहूं कि पूरे प्लेनेट की रियलिटी को चेंज कर सकता है। और इस पावर का सबसे अच्छा उदाहरण तो एमसीयू के अंदर हमारी वांडा ने दे दिया
दिया है। वांडा विजन शो के अंदर वांडा ने पूरे एक छोटे से टाउन की रियलिटी को चेंज कर दिया था, वो भी अपने मन मुताबिक, चाहे वो जैसे भी चाहे वैसा कर सकती है इस पावर की मदद से। सीधी सी बात यह है कि इस पावर के जरिए यूजर अपने आसपास के वातावरण को और अपने आसपास की चीजों को अपनी सोच के अनुसार बदल सकता है। तो फाइनली नंबर वन पर है एलिमेंटल कंट्रोल पावर, और इस पावर का नाम सुनने के बाद में आपके माइंड में सबसे पहले हमारे प्यारे गॉड ऑफ थंडर थोर का नाम आया होगा। उसके बाद में एक्समैन की स्टॉर्म का नाम भी आपके माइंड में आया होगा, क्योंकि ये दोनों ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आग, पानी, बर्फ, हवा, बिजली और भी कई सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारा बिजली का देवता तो यानी कि हमारा थोर तो बिजली को कंट्रोल कर सकता है, बड़े बड़े तूफान भी ला सकता है। हाँ, मानता हूँ कि ये आग को कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी एलिमेंट को कंट्रोल तो कर ही सकता है, इसीलिए हमारे थोर के पास भी एलिमेंटल कंट्रोल पावर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको इनमें से कौन सी पावर चाहिए, और उस पावर के मिलने के बाद में आप सबसे पहला काम कौन सा करने वाले हो, वो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना काफी है।